वेलकम फ्रेंड्स, एआरजे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको चुनाव संबंधित जो प्रक्रिया उसकी चरणबद्ध जानकारी दे रहा था, और इसमें अपने यहाँ पीठासीन अधिकारी से और अपने यहाँ तक जो तीनों मशीनों की जो संपूर्ण जानकारी है, यहाँ तक के जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए थे, और यहाँ से अपने को आगे शुरू करना है। आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न सील और टेक जो है और मॉक पोल की प्रक्रिया, इन दोनों प्रक्रियाओं को मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे के अंदर बताया था, और आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा भी लगा है, काफ़ी पसंद भी आया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 वीक के अंदर 94K यहाँ पे व्यू आ रहे हैं। तो अगर आपको अगर ये जानकारी देखनी हो कि मशीनों को किस तरह से सील करना है, कौन कौन सी उसमें सील लगती है, कौन कौन सी उसमें टेक लगते हैं, और मॉक पोल की प्रक्रिया क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप जब अपने सर्च बॉक्स में ये जब लिखें, सर्च करें, तो साथ में जब आप एआरजे गुरु लिखेंगे तो आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाएगा, और इस वीडियो के अंत में भी यह वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज अपन शुरू करेंगे यहाँ मतदान केंद्र में प्रवेश और गोपनीयता, यहाँ से अपन शुरू करेंगे, और जितने अपने पॉइंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे। उसके बाद में अगर कोई बच गया तो उसको अगले वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मतदान केंद्र में प्रवेश और गोपनीयता से संबंधित क्या क्या नियम हैं। ये आपको जान भी इसलिए लेने चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मतदान केंद्र में किसको प्रवेश देना चाहिए। अगर कोई ज़बरदस्ती प्रवेश करता है तो उसको बाद में आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतदान केंद्र में निर्वाचक गण के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है। मतदान अधिकारी जो पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं उनको, प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता, और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक बार में एक मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, किसी निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा, किसी अंधे या किसी शिथिलांग मतदाता जो बिना मदद के चल नहीं सकते हों, उनके साथ आने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की पहचान करने के या पीठासीन अधिकारी के अन्यथा सहायता करने के प्रयोजनार्थ समय समय पर प्रवेश दें। तो प्रवेश देने के अलावा कुछ गोपनीयता भी होती है जो आपको रखनी होती है, तो ये प्रवेश नियमों के साथ आपको उनको उन नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। वो नियम कौन से हैं, गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में आपको ये नियम है कि धारा 128 के अंतर्गत मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है, और मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी यह प्रावधान सभी उपस्थित व्यक्तियों की जानकारी में लाएगा। मतदान की गोपनीयता भंग करने और मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मतदाता को मत नहीं देने दिया जाएगा, और यदि ऐसे मतदाता को मतदान पर्ची जारी कर दी गई है तो उसे वापस ले ली जाएगी, और मतदाता रजिस्टर में इस आशय में टिप्पणी भी अंकित कर दी जाएगी, और मतदाता का मत देते हुए उसकी फ़ोटो नहीं ली जा सकती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मतदान समाप्ति के ऊपर आपका क्या क्या कार्य होता है, आपको क्या क्या करना होता है। जैसे ही अंतिम मतदाता अंतिम मत डाल के जाता है, उसके बाद में जैसे ही आपका मतदान समाप्ति का समय पूरा हो जाता है, तो आपको यहाँ से एक सीयू के अंदर एक काला रंग का जो बटन होता है, उस बटन को हटा के और आपको अंदर की तरफ एक क्लोज़ बटन होता है, वह क्लोज़ का बटन दबा देना है सीयू के अंदर। क्लोजिंग का बटन दबाने के बाद में आपके सामने जो सीयू की स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उसके अंदर आपको ये सूचना है आपको प्रदर्शित होगी। पहले क्लोजिंग लिखा हुआ आता है, उसके बाद में डेट और टाइम आता है, सीरियल नंबर वगैरह आते हैं, उसके बाद में कैंडिडेट की जो संख्या होती है वो आएगी, अंत में आएगा आपके जो टोटल वोट जो हैं, टोटल पोल्ड वोट जो हैं वो उनकी संख्या प्रदर्शित होगी, और उसके बाद में पोल क्लोज्ड आ जाएगा। उसके बाद में आपकी सीयू है यह बंद हो जाएगी, सॉरी ये क्लोज हो जाएगा इसका ये। उसके बाद में जो टोटल का बटन होता है, उस टोटल के बटन को दबाना आपको, और टोटल का बटन दबाकर जो टोटल वोट जो डाले गए हैं उनकी संख्या का जो रजिस्टर है 17 का रजिस्टर, उससे मिलान कर लेना है, और जो भी पोलिंग एजेंट उपस्थित हैं उनको भी वह संख्या दिखा देनी है कि आपके बूथ के अंदर इतने वोट डाले गए हैं, और इसका 17 के रजिस्टर के अंदर से भी आपको मिलान कर लेना है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान भी किसी भी इसमें आप टोटल का बटन दबाकर उसमें डाले गए वोट हैं उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं और अपने रजिस्टर से मिलान भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो सीयू है उसके पिछले हिस्से में जो ढक्कन लगा हुआ है उसको खोलकर
और उसके स्विच को ऑफ पोजीशन में, पहले ऑफ पोजीशन में करना है, ऑफ कर देना उसको। उसके बाद में आपको जो लिंकिंग केबल जो लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो केबल है, इस केबल को दोनों तरफ से दबाकर उसको बाहर खींचना है। और उसके बाद में सीयू के पिछले ढक्कन को पुनः बंद कर देना है और उसको आपको धागा बांधकर चपड़ी से सील कर देना है। तीनों मशीनों को अच्छी तरह से सील करके आपको इस तरह से अलग अलग बॉक्स के अंदर आपको पैक करनी है। उसके बाद में आपको अलग अलग जो कैरिंग बॉक्स में रखने के बाद में उनके ऊपर मोहर बंद और एड्रेस टैग लगाने हैं, और अंत में आपको रिटर्निंग अधिकारी के यहाँ पे आपको इसको जमा कराना होता है। यहाँ पे आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको मतदान समाप्ति के बाद जो 17 कर रजिस्टर होता है उसके अंत में प्रमाण पत्र आपको जारी करना होता है। उसमें जो पीठासीन अधिकारी हैं वो 17 कर रजिस्टर के अंतिम मतदाता की प्रविष्टि के नीचे प्रमाण पत्र अंकित करेंगे, और उसमें मतदाताओं ने कितने मतदाताओं ने वोट किए हैं वो उसके अंदर अंकित करेंगे वो, और उसके अंदर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे, और जो भी उपस्थित पोलिंग एजेंट है उनसे भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। तो अभी आपने ये भी देखा है कि मतदान समाप्ति के बाद आपके क्या क्या आपके कर्तव्य होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा वोटर हेल्पलाइन के बारे में, लिफाफे वाला जो है ये आपको अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, क्योंकि ये एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको स्पष्ट रूप से ये जानकारी समझ में आ जाए। और अगर साथ में हो सकता है कि इसके साथ में ये जो पेपर बैलेट वाला है इसी के साथ आपको मैं बता दूं, या फिर इसके लिए भी हो सकता है कि अलग वीडियो बना दूं। तो अभी इस वीडियो के अंदर आपको मैं वोटर हेल्पलाइन व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में वोटर हेल्पलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर डायल करके या फिर SMS करके मतदाता अपने से संबंधित फ़ोटो, मतदाता सूची में नाम और प्रविष्टि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर जो डायल करने के लिए है वो 1950 हैं। SMS करने के नंबर हैं 9251092103। और आपको जो एग्जांपल जो है ये आपको इसमें अपने मैसेज बॉक्स में लिखना है voter RJ, उसके बाद में यहाँ पे एक स्पेस देना है, स्पेस देना, यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ आपको यहाँ स्पेस देना है। उसके बाद में अपने जो वोटर आईडी के नंबर जो होते हैं, मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र के जो नंबर होते हैं वो आपको एंटर करने हैं। हो सकता है आपको यहाँ से RJ से शुरू होने वाले नंबर हो या फिर और जो भी नंबर हो, आपको वह voter RJ लिखने के बाद स्पेस देवें और उसके बाद में अपने वहीं पे वह नंबर आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी है जो राजस्थान के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, www.ceoRajasthan.nic.in। इसके होम पेज पर सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल लिखा हुआ, वहाँ से क्लिक करके भी अपने बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं जो पोलिंग पार्टीज आती है उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना और आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें। यहाँ पर आपको कर्मचारी सहायता और जो इलेक्शन पार्टी है उसके संबंध में कई सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको यहाँ पे जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप इलेक्शन एंड BLO वाली जो प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इलेक्शन और BLO से संबंधित ही वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसके अलावा अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग तरह के आपको वीडियोज़ मिलेंगे यहाँ पर। और इसी के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा एंड्रॉयड ऐप है ARJ गुरु, इसमें भी हमने इलेक्शन और BLO के लिए हमने अलग से एक सेक्शन बनाया है, ताकि जो BLO और इलेक्शन की जो पार्टी जो होती है, पोलिंग पार्टी, उनको एक साथ एक जगह सारा मैटर मिल जाए, एक साथ सारा मैटर वो अवेलेबल हो जाए। जैसे आप ऐप को ओपन करते हैं तो आपके जो होम पेज मेन पेज जो होता है उसके अंदर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको मिलता है इलेक्शन एंड BLO की कैटेगरी है। यहाँ पर आपको संबंधित आदेश, प्रपत्र और अन्य सहायता सामग्री जो है आपको यहाँ पर सारी उपलब्ध होती है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि अगर ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के अंदर आप जैसे ARJ गुरु लिखकर सर्च करेंगे आपको ये आसानी से मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको यह एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब आपको मैं वो जो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कह रहा था, वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब की बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत अच्छा जो एक नवाचार का प्रयोग किया गया है, और ये आप देख रहे हैं ये एक C Vigil एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इसको आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। यहाँ पे मतदान प्रक्रिया के दरमियान अगर आपको किसी तरह की समस्या आती हो, कोई आपके साथ कुछ आपको लगता है गलत हो रहा है, तो आप उसके जो फ़ोटोज़ और वीडियोज जो हैं उसके माध्यम से यहाँ पे डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है आपको फ़ोटो और वीडियो के,
और आप जो भी कंप्लेन करेंगे उसका 1 घंटे के अंदर जो उच्चाधिकारियों के द्वारा तुरंत आपका उसका 1 घंटे के अंदर अंदर समाधान किया जाता है। तो ये सिर्फ जो पोलिंग पार्टी जो है स्पेशली वो भी काम में ले सकते हैं, और उसके अलावा जो अदर जो होते हैं ग्रामीण जन वो भी काम में ले सकते हैं। जहाँ भी उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो इस ऐप को काम में ले सकते हैं, लेकिन पोलिंग पार्टी जो है वो अपने कुछ गलत होता देखती है तो वहाँ पर इस तरह से इस ऐप की मदद से गुपचुप तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।